नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। सफाई कर्मियों को वेतन मिलने की खुशी में अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल के अध्यक्ष सचिव जावा ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया एमसीडी मेयर का सम्मान। सचिव जावा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आज हम खुश हैं कि सफाई कर्मचारियों का वेतन मिला है और एमसीडी मेयर के अग्रवाल ने सफाई कर्मचारियों के दर्द को समझ है, इसलिए हमने मेयर को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया है। लेकिन हम दिल्ली के केजरीवाल सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसी सचिव जावा ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की कोई मदद नहीं की। हम दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत आज एमसीडी सिविक सेंटर से किए हैं। अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल के लोगों ने अपने हाथों में बैनर पकड़े हुए हैं, जिस पर साफ लिखा है, केजरीवाल होश में आओ। सचिव जावा ने कहा, अब अगर सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया तो हम दिल्ली सरकार के खिलाफ पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। पेशे दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज एमसीडी मेयर को चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया गया है। हम जानेंगे जो अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल के अध्यक्ष है संजीव जावा, इनसे हम जानेंगे कि आज जो एमसीडी को, जो मेयर को इन्होंने चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया गया है, क्या मकसद था और क्या शुभकामनाएं उनकी थी मेयर के लिए। जी, आपका स्वागत है संजीव जावा जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल जी टीवी न्यूज को धन्यवाद कहता हूँ, इरफान भाई को। ओकेजन कुछ नहीं था, ओकेजन ये था कि हमारे सफाई कर्मचारी की सैलरी जो पिछले 3 महीने से नहीं आ पा रही एमसीडी का, अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारा पैसा रोक रखा था, वो हमारे आदरणीय मेयर साहब जयप्रकाश जेपी जी ने अथक प्रयासों से और हमारी यूनियन ने जो लगी हुई थी, अभी हमने हाल ही में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करा था, उनके अथक प्रयासों से आज हमें पैसा मिल गया। आज हमारे अकाउंटों में सैलरी आनी चालू हो गई है कर्मचारियों के, बड़ा हर्ष का माहौल है, क्योंकि 1-2 महीने बाद की सैलरी अगर आती है तो बड़ा हर्ष का माहौल होता है। जिस हिसाब से आपको पता है कोरोना चल रहा है, एक एक पैसे के लिए लोग परेशान है, इसलिए तनख्वाह ना हमारे लिए दीपावली की तरह होता है। जैसे दीपावली आती है हम त्यौहार मनाते, पैसा आता तभी त्यौहार मनाया जाता। संजीव जावेद जी, देखा जाता है कि पिछले कई वर्षों से लगातार सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के लिए आप आगे आते हैं और कहीं ना कहीं एमसीडी में, निगम में उनके साथ शोषण किया जाता है, तो ऐसे में अब जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, जो कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो सफाई कर्मी के लिए है, तो ऐसे में सफाई कर्मियों के लिए आपने क्या मांग की है? मांग यही की है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमें सैनिटाइजर वगैरह किट दी जाए, अगर हमारा कोई जो, ताकि हम कोरोना की रक्षा जो कर रहे हैं उनसे हमारे को सेफ्टी पहुंचाई जाए। और इसमें आदरणीय हमारे मेयर साहब जो अब बने हमारे जयप्रकाश जेपी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भाई साहब से भी अभी मेरी बात हुई है कि अगर जब भी अगर किसी कर्मचारी को किट ना दी जाए तो उसको किट वो मुहैया कराएंगे हमारे आदरणीय मेयर साहब। संजीव जावा जी, देखा जाता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा एक पोस्टर पे नजर डालें। ये जो पोस्टर आपने दिल्ली सरकार के लिए निकाला, दिल्ली सरकार होश में आओ, क्या पैगाम देना चाहते हैं और दिल्ली सरकार को किस तरह जगाना चाहते हैं? पैगाम एक ही, अगर कर्मचारियों का पैसा अब की बार रोका गया तो अब की बार दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बाहर हम आंदोलन के नहीं बैठेंगे, अगर हमारा पैसा अब की बार भी रोका गया दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार के जो दावे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, तो उनकी जो वेतन है नहीं रोका जाता है, समय से पहले दे दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं वो लगातार बनी रहती है। बड़े शर्म की बात है कि वो ऐसा झूठ बोलते हैं। आपको पता है दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की सैलरी दी जा रही है, लेकिन एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी हमेशा रोकी है, क्योंकि चुनाव चिन्ह हमारा झाड़ू लिया था और हमें बेवकूफ बना के सत्ता में आ गए, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब वो समय आ गया, समाज जाग चुका है, कर्मचारी वर्ग जाग चुका है, आने वाले समय में हमें झाड़ू छीन के दिखाएंगे इनसे। आज आपने अपने एक संगठन के माध्यम से जो आज मेयर को चांदी का मुकुट प्रस्तुत किया है, मेयर से आपको किस तरह का आश्वासन और क्या उम्मीद है सफाई कर्मचारी? हमें बहुत सी उम्मीद है, मैं बताना चाहूंगा, ये कहने मुझे वो नहीं है कोताही कि इससे पहले हमारे जो अवतार सिंह जी मेयर थे साहब थे, वो भी बहुत जुझारू थे और काम कर रहे थे कर्मचारियों के लिए, और ऐसे ही हमारे जेपी भाई जब से स्टैंडिंग चेयरमैन बने वो भी काम कर रहे थे और आज वो मेयर हैं, तो हमें बहुत आशाएं हो गई और भाई ने करके भी दिखाया, भाई साहब ने, ये देख सकते हैं इसका परिणाम कि भाई साहब के कार्यकाल शुरू होते ही सफाई कर्मचारी की सैलरी आ गई है। अभी जैसा कि आपने बैनरों में दिखाया हुआ है दिल्ली सरकार होश में आओ, इसको लेकर आपका अगला जो निर्णय है या कदम होगा वो क्या होगा?
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब की बार अगर कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई तो हम उनके दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठने की तैयारी कर चुके हैं अगर हमारी सैलरी रोकी गई तो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नेता जो अपोजिशन नेता ये लोग कहते हैं कि एमसीडी हमारी सरकार नहीं है, एक नंबर के झूठे हैं। उसका फलूप यह है कि अभी नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी का बैठा हुआ सिविक सेंटर बैठते हैं, अपनी सुविधा लेने के नेता विपक्ष बैठे हुए, कोई आवाज नहीं उठाता। अभी स्टैंडिंग मेंबर भी आम आदमी पार्टी को बनाया, तो ये कहते हैं ना कि हमारी सरकार नहीं है, तो ये झूठे कहते हैं। अगर इनकी सरकार ओपोजिशन में नहीं होती तो इनका नेता विपक्ष कैसे बैठता? तो ये झूठे वादे करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, सारा पैसा ये रोक के बैठते हैं एमसीडी का। अभी जो वेतन सफाई कर्मचारियों का आया है इससे सफाई कर्मचारियों में जो खुशी की लहर आई होगी, अब आपका क्या मानना है, क्या आगे तक ये लगातार सिलसिला चालू रहेगा कि उनका वेतन भाई मिलता समय पे? हम तो ये चाहेंगे, हम मेरे हिसाब से हमें निवेदन कराएं कि इनका वेतन अगर रोका जाता है तो हमारे समस्त समाज की ओर से हम सारे साथ खड़े हैं, मेयर साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए, क्योंकि हमारी पेट की लड़ाई है। अगर हमारे कोई पेट पे अगर आ जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार दिल्ली में सफाई कर्मचारियों पर जो शोषण किया जाता है निगम की तरफ से, उनके वेतन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, जिसके लिए लगातार संजीव जावा जो हैं वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए उन्होंने जो बैनर निकाले हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है, केजरीवाल सरकार होश में आओ, एमसीडी पर अत्याचार करना बंद करें। ऐसा इनका कहना है कि दिल्ली सरकार लगातार जो सफाई कर्मियों के साथ जो शोषण करती आ रही है वो बंद करें, सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाना इनका मकसद है और दिलाकर ही रहेंगे, ऐसा इनका कहना भी है। अगर जो वेतन अब आया है सरकार की तरफ से, वो वेतन बीच में कभी रोका जाता सफाई कर्मचारियों का, उसके लिए फिर से एक आंदोलन की शुरुआत ये करेंगे। इन्होंने कहा है कोर कमेटी के साथ मिलकर, एमसीडी मेयर के साथ मिलकर उसको पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नदीम के साथ इरफान खान, जी टीवी न्यूज़।